दोस्तों आज मैं क्या हूँ आपके लिए ऐसा धमाकेदार जादू जिसको आपने जिंदगी में भी कभी नहीं देखा होगा। और वो जादू ये है कि आज मैं आपको एशिया की सभी कंट्रीज के नाम सुनाऊंगी और साथ ही साथ याद करना भी बताऊंगी और उनको फ्लो में कैसे बोलना है वो भी बताऊंगी। माई नेम इज चेतिका शर्मा एंड माई चैनल नेम इज आंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर चैनल। दोस्तों एक बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको किसी भी चीज को याद तो करना ही नहीं। मेन थिंग मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस पहले से ही आते हैं और बाकी के बचे 6 क्वेश्चंस आपको नहीं आते। तो दोस्तों 4 क्वेश्चंस में आपको मेमोरी टेक्निक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वो पहले से ही आते हैं। बाकी के बचे जो 6 क्वेश्चंस हैं उनमें आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको वो याद हो रहे हैं तो बेटर है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो आप उनको मेमोरी टेक्निक लगा के बहुत ही जल्दी याद कर सकते हो। जिस क्वेश्चन को आप अभी करने में 10 मिनट लगा रहे हो, अगर आपको उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप मेमोरी टेक्निक यूज करके उसको 2 मिनट में भी याद कर सकते हो। और दोस्तों जब हम मेमोरी टेक्निक यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप भी होता है। अब मैं आपको थोड़ा ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। मतलब हमारा ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 1 इज लेफ्ट ब्रेन एंड 1 इज राइट ब्रेन। अब दोस्तों लेफ्ट ब्रेन को सिर्फ पढ़ाई पसंद है, राइट ब्रेन को सिर्फ एंटरटेनमेंट पसंद है। लेफ्ट ब्रेन की जो कंसंट्रेशन पावर है वो 10% है और राइट ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर 90% है। अब बताइए कौन सबसे ज्यादा हुआ इसमें, राइट ब्रेन। अब राइट ब्रेन क्या करता है, जब हम पढ़ने लगते हैं तो वो एक्सक्यूजेस बनाता रहता है, चलो पहले एक गिलास पानी पी लेता हूँ फिर बाद में पढ़ूंगा, चलो एक बार वीडियो गेम खेल लेता हूँ फिर बाद में पढ़ूंगा। वो एक्सक्यूजेस बनाना चाहता है, वो पढ़ने से बचना चाहता है। लेकिन आपको जैसे आप छोटे बच्चे को डांटते हो कहते हो, अगर छोटा बच्चा आपको कहता है मेरे को तो आपके साथ मार्केट जाना है, तो आप कहते हो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो फिर बाद में तुम्हें मार्केट लेके जाऊंगा। तो इसी तरीके से अपने राइट ब्रेन को समझाना है कि पहले सिर्फ ओनली शॉर्टेस्ट टारगेट, मतलब जैसे 10 क्वेश्चन है उन 10 क्वेश्चन में से आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में 5 मिनट लगा लीजिए अगर वो शॉर्ट है तो, लेकिन अगर वो लॉन्ग है तो लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगी। फिर बाद में आप थोड़ी देर का 5 से 7 मिनट का गैप दे सकते हैं और आप कहिएगा अपने ब्रेन से सिर्फ तो इतने क्वेश्चन कर ले फिर बाद में हम ये बाद में आपको जो भी करना है, बाद में आपको वीडियो गेम खेलना, अपना एंटरटेनमेंट करना, आपको घूम के आना, आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। और सबसे मेन थिंग है जब आप किसी एसोसिएशन को बना के करते हो तब वो चीज़ ब्रेन में आपके बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली रह जाती है और ज़िंदगी भर आप उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाते हो। और जब आपको जैसे कि आपका जब एग्ज़ाम होता है जब आप उसको याद करके जाते हो तो जब कोई क्वेश्चन याद ना भी आए तो मेमोरी टेक्निक यूज़ करके, अगर आपको देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन है उसमें से 5 से 7 वर्ड्स निकाल लीजिए, मेन वर्ड्स, उनकी एसोसिएशन बनाइए। बाकी कनेक्टिंग वर्ड्स टी एंड कप थ्योरी होती है, उसमें टी होती है मेन, नहीं जरूर क्या होता है कप, अगर कप है तो ही हम टी पी पाएंगे, मतलब चाय पी पाएंगे। तो क्या जरूरी है आपके लिए, मेन वर्ड्स जरूरी है ना कि वो कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स आप खुद से भी बना सकते हो। तो ये मैंने ब्रेन का इंट्रोडक्शन बताया, अब लेफ्ट ब्रेन का थोड़ा सा और बता देती हूँ। उसको लॉजिक्स पसंद है, SST, जियोग्राफी, आपको जो भी, मतलब कि उसको पढ़ने से रिलेटेड हर एक बात पसंद है। लेकिन अगर राइट ब्रेन से बात करो, उसे टीवी में देखना पसंद है, वीडियो गेम खेलना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, पार्क में खेलना पसंद है और जितनी भी मौज मस्तियों की चीज़ें होती हैं वो सिर्फ राइट ब्रेन को ही पसंद है। इसे सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाता है राइट ब्रेन, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर है। तो दोस्तों ये बता दिया मैंने आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिना इस वीडियो को स्किप किए बगैर आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एशिया की कंट्रीज मैं आपको पहले सुना देती हूँ लाइन वाइज, उसके बाद मैं आपको याद करना भी बता दूंगी। अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, बुनोई, चाइना, सिर्फ ईस्ट तिमर, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कंबोडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनन, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, सिंगापुर, सीरिया, ताइवान, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम, यमन। तो दोस्तों अगर आपको कंट्रीज याद है लाइन वाइज आप याद करो तो बेटर है,
करनी चाहिए। हर एक एग्जाम पे कंट्री जरूर पूछी जाती है, वो भी 5 मार्क्स। तो दोस्तों अब मैं आपको इनकी याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए सेट हो जाए। अब ट्रिक वो है, अफवाह फैल गई है। अफवाह मतलब कि अफवाह फैल गई है बहरे लोगों में। बहरे लोग मतलब कि जिनको सुनाई नहीं पड़ता। अगर मैं बहरी हो जाऊं तो मेरे को आप जो भी बोलोगे कुछ नहीं सुनेगा। अफवाह फैल गई है बहरे लोगों में। अब अफवाह से अफगानिस्तान हो गया, बहरे लोगों में से बहरीन हो गया। अब अफवाह क्या फैली है कि हमें तो बड़ा सा बंगला बनाना है। हमें क्या बनाना है? बड़ा सा बंगला। अब बंगला से बांग्लादेश, बंगला से बांग्लादेश। अब बंगले में हम भुट्टा नहीं रखेंगे, मतलब बंगले में क्या करते हैं, भुट्टा रखते हैं ना, भुट्टा नहीं रखेंगे हम बंगले में, बूंदी रखेंगे, बूंदी। ठीक है, बंगले में क्या नहीं रखेंगे? भुट्टा, भुट्टा से भूटान। क्या और क्या रखेंगे? बूंदी रखेंगे से ब्रुनोई। और बूंदी को बड़े चाव से खाएंगे, बूंदी को बड़े चाव से खाएंगे। चाव से चाइना, चाव से चाइना। और अगर हम बीमार होएंगे तो सिर्फ पिएंगे, तो सिर्फ पिएंगे, वो भी कहां पर? ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट के तिमर में, ईस्ट के तिमर में। सो इससे हो गया ईस्ट तिमर, ईस्ट तिमर। लेकिन जब डाई आएगी हमारी, डाई को आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो जब हमारी बारी आएगी, जब डाई आएगी हमारी, हमारी बारी आएगी तो हम डॉन बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? डॉन बन जाएंगे। सो डाई से इंडिया और डॉन से इंडोनेशिया। और फिर हम इतना तेज भागने की, मतलब रन, रन मतलब कि भागना, इतना तेज भागने की प्रैक्टिस करेंगे कि हमें भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी ने पकड़ लिया तो राख में मिल जाएंगे। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया ना तो हम राख में मिल जाएंगे। अब इसका मतलब है कि रन इतना तेज भागेंगे कि कोई हमें चोरी चकारी करने पे भी पकड़ नहीं पाएगा। और अगर पकड़ लिया तो हम राख में मिल जाएंगे। तो रन से ईरान और राख से इराक। उसके बाद में वहां पर एक सर आते हैं, मतलब कि आप जो भी बोलना चाहे, लेकिन इसकी सर से एसोसिएशन बन सकती है। वहां पर एक सर आते हैं, उनके मुंह में होता है पान, उनके मुंह में होता है पान। सर से इजराइल, सर से इजराइल। अब उनके मुंह में क्या होता है? पान, पान से जापान, पान से जापान। और वो जोरों से चिल्लाते हैं, जोरों से चिल्लाते हैं और कहते हैं कम बॉडीगार्ड, कम बॉडीगार्ड, कम बॉडीगार्ड। क्या जोरों से चिल्लाते हैं? जोर, जोर से जॉइंड है। और कहते हैं कम बॉडीगार्ड, कम बॉडीगार्ड। तो कम से कम, कम बॉडीगार्ड से कंबोडिया, कम बॉडीगार्ड से कंबोडिया। कजाकिस्तान। तो अब वो पूछते हैं, जो बॉडीगार्ड आते हैं वो पूछते हैं क्या खजाना मिला, क्या खजाना, मतलब कि तुम्हें कौन सा खजाना मिला हमें भी बताओ। तो कहते हैं क्या खजाना मिला? कोरोया, कोरो। तो वो पूछते हैं नॉर्थ में और साउथ में, दोनों तरफ से आते हैं बॉडीगार्ड। और वो पूछते हैं कौन रोया, कहाँ से आते हैं? नॉर्थ से आते हैं, साउथ से आते हैं। तो नॉर्थ और साउथ, आप नॉर्थ कोरिया भी होता है, साउथ कोरिया भी होता है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट होते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। कौन रोया? नॉर्थ में और साउथ में। वेट। तो क्या करते हैं उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है वेट करो, वेट करो, वेट करो। क्या बोलता है? वेट करो से वेट, वेट। अभी हमें अपने मालिक का कर्जा उतारना पड़ेगा, हमें हमें अपने मालिक का कर्जा उतारना पड़ेगा। ठीक है, कर्जा से किर्गिस्तान, कर्जा से किर्गिस्तान। अब जब हम इनका कर्जा उतारेंगे, हम उन्हें पैसे देंगे, तो लॉस किसका होगा? हमारा। लॉस किसका होगा? हमारा। इसलिए हमने क्या किया, उनको पैसे देने के बजाय हमने उनको लुभाना शुरू कर दिया, उनको लुभाना शुरू कर दिया और उनके गले में माला पहना दी। लुभाना से लेबनन, लुभाना से लेबनन। और माला पहना दी से मलेशिया, माला पहना दी से मलेशिया। और जैसे ही गले में माला पहनाई तो दीपक जल गया, जैसे ही गले में माला पहनाई तो दीपक जल गया। तो माला तो यहाँ पर है ही मालदीव्स में, तो यहाँ पर दिया कर देंगे हम, दीव्स में से दिया, दीव्स दिया, दीव्स दिया। तो
मालदीव्स। तभी वहां पर एक मंकी आता है, वो गोली खा लेता है जहर की और वो मर जाता है। वहां पर मंकी आता है, वो गोली खा लेता है जहर की और वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंकी आता है, मोन मोन MON KEY। अब इसकी KEY स्पेलिंग होती है, KEY नहीं है तो हम इसकी एसोसिएशन, वो गोली खा लेता है जहर की और फिर वो मर जाता है, मर से म्यांमार। अब देखिए मंगोलिया, मंकी गोली खा लेता मंगोलिया और मर जाता है से म्यांमार। ओके, देन नेप लेने वाला, मतलब कि जैसे कि कपड़ों का नेप लेते हैं, नेप लेने वाला आता है और वो कहता है ओ मैन बोलते जो बाकी के लोग होते हैं उनका दिमाग पका देता है। ठीक है, क्या हुआ, नेप लेने वाला आता से नेपाल। ठीक है, ओ मैन बोलता है ओ मैन से ओमान और कहता है, और क्या करता है, उन दूसरे लोग मालिक होते हैं और बाकी के लोग होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल पका देता है। और पकाने के बाद उनके दिमाग में जो भी चीजें फिल थी ना, उन सब को बाहर निकाल देता है, उन सब को बाहर निकाल देता है। वो भी किसमें, कुएं में। अब बाहर फिल हुई चीजें बाहर निकाल देता है, पक्षी पाकिस्तान, फिल हुई चीजें से फिलीपींस, और किसमें, कुएं में से कतर। ठीक है, अगला है हमारे पास, और जब वो कुएं में जाते हैं तो अब दिमाग पकाने के उसको 100 अरब पैसे मिलते हैं, इतने सारे पैसे मिल जाते हैं उनका दिमाग पकाने के लिए। ठीक है, तो उसका हो जाएगा हमारा सऊदी अरेबिया। अगला है सिंगापुर। अब देख क्या, उसके तो सिंह निकल आते हैं बिल्कुल, मतलब वो खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि मेरे को 100 अरब पैसे मिल गए, उसके तो सिंह निकल जाते हैं बड़े बड़े से। ठीक है, सिंह निकल जाते से सिंगापुर और वो पूरी लंका जला देता है। जैसे कि हनुमान जी ने लंका जलाई थी, इसी तरह इसने भी पूरी लंका जला दी थी। सीरिया। अब क्यों जलाते हैं लंका, अब हनुमान जी ने किसको बचाने के लिए जलाई थी लंका, सीता जी को बचाने के लिए, तो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो इसने भी किस लिए लंका जलाई, सीता जी को बचाने के लिए। ठीक है, तभी वहां पर सीता जी को बचाने के लिए एक ताई आई ताजा फल लेकर, ताजा से तजाकिस्तान, ताई से ताइवान और तजाकिस्तान, और क्या किया, सीता जी जो थी उनकी थाइयों पर उन फलों को रख दिया, तुर्की। तभी वहां पे जो चूहा होता है वो उस पूरे फलों को खा जाता है, उन सारे फलों को खा जाता है, तो तुर्की तुक, मतलब कि वो तुक करता है ना जब खाता है फलों को, तो फलों को खाते तुक करता है और सारे फल खा जाता है। ठीक है, अब तुर्की और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों ही सेम जैसे वर्ड हैं, तो ये आपको याद रह जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान सेम आंसर उज़्बेकिस्तान। तो क्या होती है, उसको उबाक आती है उज़्बेकिस्तान से। अमीरेट्स। अब क्या होता है, उसको उबाक आती है और उबाक आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, मतलब कि अमीर बन जाता है तो उसकी जो उबाक थी उसका रुकने का भी वेट करते हैं, उसके लोग जो है वो रुकने का भी वेट करते हैं, और फिर जब उबाक रुक जाती है उसके बाद वो अपने यारों के साथ चला जाता है, अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको एशिया के सभी की सभी 45 नहीं है, टोटल 45 की 45 याद करवा दी होगी। अगर आपको याद ना भी हो तो आप इस वीडियो को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट कर सकते हैं, आपको जितनी बार इस वीडियो को रिपीट करना आप उतनी बार कर सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए। सुनिए दोस्तों, आपको याद तो कुछ करना ही नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एसोसिएशन अच्छी होनी चाहिए।
वगैरह भी चला जाएगा और इससे अब जब आप जितनी चीजें आप याद करते हैं तो आपके ब्रेन की उतनी ही डेवलपमेंट होती है, वो उतना ही सीख पाता है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, अच्छी एसोसिएशंस बनाएंगे तो भी अच्छा होगा। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।